नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 23 नवंबर और इसकी कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और कई बार मैंने कहा है कि ये वीडियो जो लेक्चर्स आपको करंट फॉर्म में मिलते हैं, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ये न सिर्फ आपके पीसीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग जो भी आपके कलीग्स हों, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, उन तक आप ये वीडियो प्लीज सेंड कर दिया करें ताकि उनको बेनिफिट इसका मिलता रहे। और बेसिकली कल आप लोगों ने, परसों जो है आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा आरओ को लेकर के हमने बनाया था, उसमें हमने थोड़ा सा जो आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, जो परेशानी थी उसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें थोड़ा सा हमने स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डिस्कस किया था, कुछ एग्जाम्स पॉइंट पर डिस्कस किया था। वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए, जिसमें लिखा था कि आरओ एआरओ की परीक्षा तिथि और जो है क्या कहते हैं आगे की रणनीति और क्या करें आगे, है ना, ऐसा वीडियो था, थंबनेल बना होगा बढ़िया सा, आप लोग जाइए उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलो अब सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं, लेकिन इसके पहले सूचना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपका टारगेट बेसिकली 2025 पीसीएस का है तो इसके लिए डिकोड एग्जाम ने फाउंडेशन कोर्स 2025 के नाम से कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप लोग इसमें एडमिशन लेते हैं क्या, ले सकते हैं क्या, कुछ इसमें फीचर्स हैं, हम लोग इस पर बारी बारी से क्रमवार चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फाउंडेशन कोर्स है, दैट मींस कि यहां पर हम लोग मेंस के साथ में प्री की तैयारी कराएंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। तो मेंस प्लस प्री हम लोग कराएंगे और इसके अलावा बेसिकली हम लोग जो है इसमें जो भी अलग अलग चीजें होंगी, जैसे कि आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, लेकिन सारे लेक्चर्स आपके जो है फ्रेश लेक्चर होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आरओ के हैं तो हो सकता है उनके मन में डाउट हो कि पुराने लेक्चर्स होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी लेक्चर्स अलग अलग टीचरों के माध्यम से जो है रिकॉर्डेड किए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स हैं, आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मजा आएगा, ठीक है। तो शेड्यूल होगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस आएंगी एक बात, और उन क्लासेस को आप एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड करके उसको असीमित बार देख सकते हैं, कब तक, 18 महीने तक, क्योंकि इस पूरे कोर्स की जो हमारी वैलिडिटी रहेगी वो 18 महीने तक रहेगी, यानी कि 18 महीने तक हमारे कोर्स को आप लगातार देख सकते हैं कितनी ही बार जो है वीडियो को आप डाउनलोड करके। लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशंस डिकोड के और इसके साथ साथ में जो वेबसाइट है और डिकोड एग्जाम की, उसके माध्यम से भी जो है ये देखने को आपको मिलेगा। और यहां पर क्या कुछ रहेगा इस पूरे कोर्स में, तो मेंस के साथ में प्री की तैयारी प्लस आपकी निबंध की तैयारी, हिंदी की तैयारी भी उसमें, इसके अलावा प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, डेली जो है पीसीएस के लिए क्विज, इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, तो ये पूरा का पूरा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसमें आप आंसर को लिखेंगे, टीचर को भेजेंगे, वो आपकी कॉपी को चेक करेगा और सारा फीडबैक आपको देगा बेसिकली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ और चीजें, तो बाद में आपको प्री किट टेस्ट सीरीज और मेंस किट टेस्ट सीरीज से भी जोड़ा जाएगा, और इसके अलावा क्लास में ही आपको पीसीएस के पीवाईक्यूज और मेंस के मुख्य परीक्षा के भी पीवाईक्यूज, यानी कि प्रश्न पत्र, पुराने प्रश्न पत्रों को आपको हल कराया जाएगा। सीधे आप टीचर से बात कर पाएंगे, जो भी संबंधित विषय का टीचर होगा आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएंगे, बात कर पाएंगे उससे, कोई भी समस्या कहीं भी होती है तो आप निसंकोच होकर उनसे जो है बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात हो ये है कि बेस जो हमारा होगा पढ़ाने का वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी कि हम बेसिक से शुरू करके हम एडवांस तक आपको ले जाएंगे, यानी कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे, आपका एजुकेशन अगर बेहतर नहीं हुआ होगा तो भी हम कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़िया तरीके से गेन होती रहे, ठीक है। और इसमें हम लोग सीसैट को भी मेंशन करेंगे, यानी कि सीसैट जो आपका प्लेस में आता है उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे, इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस कोर्स के माध्यम से जो है आगे इंटरव्यू की कॉल अगर आपको आती है, तो ऐसे में दरअसल जो आप फीस सबमिट हमें करोगे जो भी, वो फीस हम आपको जो है एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट आपको हम रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये बड़ी योजना है अपने आप में डिकोड एग्जाम की, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो दैट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा कोर्स क्या है, फ्री है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर इसकी पूरी डिटेल्स की अगर जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप जो है व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या 6307495944 पर या 9506742546 पर। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है 2025 एग्जाम को लेकर के, तो उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग जो है फिल करिएगा, उसको सबमिट कर लीजिएगा, तो वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं या जो भी फैकल्टी हमारी अलग होगी आप उनसे भी बात कर सकते हैं, कोई भी अपने डाउट्स 2025 को लेकर के या पीसीएस को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई जिज्ञासा है, तो उसके निराकरण के लिए जो है मार्गदर्शन उसको प्राप्त करने के लिए, उस जिज्ञासा का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप सीधे तौर पर मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो आपको देनी थी, अब आइए हम लोग तुरंत
फटाफट टॉपिक पर आते हैं, यानी कि कल का हम लोग रिविजन करते हैं। पहला प्रश्न कल का हमारा क्या था? रिविजन करते समय आप लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए या सामने अपनी कॉपी पेन रखिए और वहां पर क्या करिए, फटाफट जो है चीजों को लिखते जाइए कि क्या आपने जो कल पढ़ा था आज आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बीच बीच में जो मैं आपको टास्क देता रहता हूं उन सभी टास्क को आप लोग जो है क्या करते रहिए, लिखते रहिए। एग्जामिनेशन हॉल में मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मेरा कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपको मेरा फेस जरूर याद आएगा कि सर ने ये बातें कही थी, ऐसे ऐसे कही थी, काश हम कर लेते तो शायद बेहतर स्थिति में होते हैं। जो कर रहे होंगे निश्चित तौर पर वो बेहतर स्थिति में रहेंगे, जो नहीं करेंगे उनका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। उनसे बस मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, जाग जाओ और जो कहता हूं उसको करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और हाँ एक बात और आगे कि अगर अभी भी आप लोग अगर आरओ की तैयारी दोबारा से करना चाहते हैं या अभी तक आपने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया तो उसके लिए भी डिकोड एग्जाम पर आरओ का कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो उसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बातें हैं टॉपिक पर। पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा वहां के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया? तो वह गयाना के द्वारा, जिसको हम गयाना भी बोलते हैं। इसके अलावा हाल ही में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में, कल हमने आपको बताया था। और कल हमने आपको टास्क दिया था कि सॉयल है, सॉयल स्ट्रक्चर की बात हो चाहे सॉयल फॉर्मेशन की बात हो चाहे सॉयल की फीचर्स के बारे में बात हो, कल हमने आपसे कहा था कि मिट्टी के बारे में यानी कि सॉयल के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहां पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको साधुवाद है, नहीं किया होगा तो फिर आप मटरगस्ती कर रहे हैं, ठीक है। सौ की सीधी बात बोल रहे हैं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है। पढ़ाई से मुंह चुराते हैं, अगर आप पढ़ाई से अगर आप धोखा करते हैं तो फिर मेरे लिए आप फिर बेकार आदमी हो, ठीक है, मतलब मजा नहीं आएगा फिर, देखो ठीक है। चलो पढ़ते हो तो आप मेरे खास हो, ठीक है। नेक्स्ट है, गयाना की राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, ठीक है। चलो, गुरु घासीदास तिमोर पेंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। चर्चाओं में क्यों था हमने आपको कल बताया था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कब तक किया जाएगा? 11 और 12 जनवरी। इसके अलावा हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता? तो उड़ीसा ने जीता, ठीक है, याद होगा आपको। G20 का हाल ही में ब्राजील में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी कि संस्करण कौन सा था? वो 19वां था, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। ये कल का हमारा क्या था प्रश्न था, जो आज अभी हमने क्या किया, फटाफट रिविजन किया। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, बहुत बार ही आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, कि केमिकल फॉर्म में, ठीक है, यानी कि केमिकल फॉर्म में जो सॉलिड जो आइस होती है वो क्या होती है, यानी कि जो सूखी बर्फ होती है केमिकल फॉर्म में वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बार आपके प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप सभी लोगों ने उत्तर सही दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी भैया 19 नवंबर 2014 या 20 नवंबर 2016 या फिर 21 नवंबर 2018 या फिर 22 नवंबर 2019। तो यह किया गया था आपका 20 नवंबर 2016, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। चर्चाओं में क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में इसने क्या किया, अभी 2024 में इसने अपने 8 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं, इसीलिए चर्चाओं में है, ठीक है। तो यह हो गया, और उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों और कच्चे एवं जर्जर मकान में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान क्या करना, उपलब्ध कराना, यह विजन है। और 2022 का इसमें टारगेट किया गया था 2.95 करोड़ मकान का निर्माण करने का। और इसी के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री हैं आपके कौन, मोदी जी, उन्होंने ही बेसिकली 20 नवंबर 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर। तो यह मनाया जाता है कब, विश्व मत्स्य दिवस, जल्दी बताओ, विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर। और नीली क्रांति का संबंध किस से है, जरा जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, नीली क्रांति का संबंध किस से है, मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, शुरुआत इसकी 1997 में की गई थी। और यह एक बेसिकली ग्लोबल समिट है, यानी कि ग्लोबल आयोजन है, अपने आप में कार्यक्रम है, जो टिकाऊ मत्स्य पालन के विशिष्ट महत्व तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरा समुदायों की आजीविका की रक्षा की आवश्यकता
को क्या करता है, रेखांकित करता है, यानी कि उसको हाईलाइट करने का कार्य करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। और इसके अलावा शुरुआत हमने आपको बताई कि शुरुआत 1997 में तब हुई, कब हुई, जब नई दिल्ली में विश्व मत्स्य पालन और मत्स्य कर्मी मंच की बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या हुआ था, 18 देशों के प्रतिनिधि विश्व मत्स्य पालन मंच की स्थापना के लिए एक साथ आए थे। किसके लिए, विश्व मत्स्य पालन मंच। और दुनिया भर में मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों और नीतियों को अपनाने की वकालत करते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आपको पता होगा कि भारत जैसे देश में जो है मछली पालन जो है अपने आप एक बड़े उद्योग के रूप में जाना जाता है। और फिशेस को के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, इसके मेडिसिनल जो है बेनिफिट्स भी होते हैं, कई प्रकार के मेडिसिन को बनाने में, कई प्रकार के जो है टानिक वगैरह बनाने में भी दरअसल फिश ऑयल एंड फिश के जो है पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। और एक खाद्य पदार्थ के रूप में तो ये जाना जाता है। अलग अलग प्रकार की फिशेस होती हैं, इसको हम लोग जो है अपने एक्वेरियम में भी रखते हैं। और सजावटी जो जो हमारा आर्टिफिशियल जो एक्वेरियम, मतलब जो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होता है वो एक्वेरियम के रूप में होता है, और वहां पर हम लोग कलर्ड जो फिशेस होती हैं उसको हम रखते हैं। ठीक है, कई फिशेस बहुत कॉस्टली जो है सेल होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसका एक बड़ा जो है मार्केट है भारत में अपने आप पे। ठीक है, तटीय जो तटीय क्षेत्र है खासकर वहां पर। थीम क्या है इसकी, थीम है भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को क्या करना, सुदृढ़ करना, यानी कि मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को पोलियो मुक्त किया गया था, किस वर्ष किया गया था भारत को पोलियो मुक्त, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। और दो बूंद जिंदगी के इस नारे से आप सभी लोग, इस कोटेशन से सभी आप लोग जो है आप परिचित होंगे। और अगर आपके घर में आपकी मदर या सिस्टर लोग अगर कोई एनएम रही होंगी तो आप लोग पोलियो से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। बड़ा खतरनाक कार्यक्रम चलता था पहले पोलियो वाला, और जो एनएम लोग बेसिकली रहती थी या इस पूरे पोलियो कार्यक्रम में जो लोग जो है रहते थे शामिल, बड़ा दबाव उनके ऊपर रहता, बड़ा प्रेशर रहता था, मतलब बहुत मेहनत का काम था पोलियो को लेकर। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कितनी मेहनत की गई है, मतलब ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो जिसको मैंने जीवंत रूप में देखा है। इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत पैसे खर्च किए, ठीक है, WHO ने बहुत फंडिंग की, और जो भी कर्मचारी थे सरकारी, मतलब उनकी तो समझ लो दुर्दशा हो गई, अथक मेहनत उन्होंने किया, और उनके अथक मेहनत उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही वर्ष कब 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। बड़ी जो है अपने आप में सफलता थी देश के लिए। और निश्चित रूप से इसमें जो भी लोवेस्ट स्तर से लेकर के जो हायर लेवल के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका सभी का इसमें व्यापक स्तर पर योगदान रहा है। और हमने देखा है कि हमारी माँ लोगों ने जो है किस तरीके से इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था। बड़ी दिक्कत होती थी, संडे को भी नहीं ऑफ रहता था। और उसमें सबसे बड़ी गलती थी कि आपने अगर छोटी सी गलती भी कर दी पोलियो अभियान में तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता था, बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर होती थी अगर आपने थोड़ी से भी ढीला ढवाली की है। और पोलियो अभियान में आप ड्यूटी नहीं कटवा सकते थे, इतना खतरनाक ये प्रोग्राम था। जैसे आप इलेक्शन में ड्यूटी नहीं कटवा सकते हो ना, पोलियो अभियान में आपकी ड्यूटी नहीं करती थी, आप बीमार हो, आप कुछ भी हो, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने का कार्य किया गया था। ठीक है, तो 2014 में बेसिकली WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और किसके द्वारा, WHO के द्वारा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा था अक्सर, तो आप लोग जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है, मैंने आपको कई बार कहा है कि ये आपके प्री में भी सिलेबस में है और मेंस में भी है। मेंस में जो पेपर सेकंड है आपका, वहां पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आपका एक पॉइंट दिया गया है जहां पर आपको पढ़ना होता है उसको, तो आप लोग उसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संगठनों का क्या कुछ योगदान रहता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या योगदान है, और उनके संगठन का मुख्यालय, उनकी स्थापना वर्ष, उनके अध्यक्ष कौन है, ये सभी प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है प्लीज आप लोग उनको रेडी कर लीजिएगा। टास्क मैंने कई बार आपको दिया है, अगर आपने पूरा कर लिया होगा टास्क तो बल्ले बल्ले, नहीं पूरा किया होगा तो फिर से मैं कह रहा हूं इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा पोलियो वायरस जो होता है बेसिकली सामान्य तौर पर जो 5 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको बेसिकली होता है। आप जानते होंगे बच्चे वो हैंडीकैप हो जाते हैं अपने आप में और जीवन भर दरअसल वो चल नहीं पाते हैं, बड़ी बीमारी के रूप में दरअसल ये जाना जाता है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि ये बेसिकली 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर जो है क्या किया गया था, पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। डेट याद रखिएगा, 27 मार्च 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम आरंभ किया गया था, कब, 1995 में, यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV इस्तेमाल किया गया था, यानी कि सभी बच्चों को दो बूंद जिंदगी के नाम से दो बूंद जो है पोलियो ड्रॉप का पिलाया जाता था। कई बार अलग अलग लोग इसका विरोध भी करते थे और कई बार सरकारी कर्मचारियों का इसका
विरोध अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता था। कई बार जो है इसमें दुर्घटनाएं भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने इसमें मेहनत से पोलियो मुक्त भारत अभियान को सफल बनाया और सभी लोग इसके लिए तारीफ के काबिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो बताइए जल्दी जल्दी कौन सा देश है। तो देश अमेरिका है आपका, या भारत है, या संयुक्त अरब अमीरात है, या फिर नेपाल है। तो वो देश बेसिकली है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए है क्या, बी है, नहीं सी है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये जो भी आपकी G20 की बैठक हो रही थी बेसिकली, ठीक है, वहीं पर ये किया गया है, यानी सॉरी COP19 में किया गया, सॉरी। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। और जो भी अजरबैजान में COP19 के दौरान जो है बेसिकली क्या किया गया था, इसका जो है आयोजन किया गया, यानी कि अजरबैजान में COP19 के दौरान इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो वैश्विक ऊर्जा दक्षता है, तो वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना, इसके साथ ही व्यापक ऊर्जा में कमी लाने का लक्ष्य बेसिकली इसको इसमें निर्धारित किया गया। तो इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप एग्जाम के लिए इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया गया? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग, गुजरात प्रेमी लोग जानते होंगे, या गुजरात में रहने वाले जो लोग हैं वो जानते होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि गुजरात वाला कोई इस समय देख रहा होगा, करंट अफेयर देख रहा होगा, लेकिन हो सकता है देख रहे हों। एक स्टूडेंट था जो गुजरात का था, मैं टच में था वो मेरे चैनल पर, तो ये गुजरात में हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हाल ही में गुजरात में संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने 18 से 19 नवंबर 2024 को अहमदाबाद और पोरबंदर में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, यानी कि HDR अभ्यास, यानी कि संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक बेसिकली क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। और संबंध की बात करते हैं तो यह अभ्यास बेसिकली भारत में आपदा की तैयारियों से संबंधित था। आप लोगों को पता होगा कि भारत जैसे देश में कृत्रिम आपदाएं और जो है प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं, और इसमें एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं जो है जान माल की हानि होती है, और इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से कम करने के लिए सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है, और आपदा को कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत बृहद स्तर पर काम किया जाता है। और आपदा प्रबंधन, मैंने कई बार बोला है कि जो UPPCS या UPSC में जो पेपर थर्ड है आपका, वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन एक विषय के रूप में आपको पढ़ाया जाता है, टॉपिक है वहां पर, तो वहां पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते होंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक प्रश्न जो है आपदा प्रबंधन के आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग जो है टास्क के रूप में रख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए इसको रेडी कर सकते हैं भाई साहब। ठीक है, अगर आपका फोकस 2024 PCS 25 और या 24 का है तो, या RO का है तो, क्योंकि RO में भी SA में भी दरअसल प्रश्न देखने को यहां पर मिलते हैं। ठीक है, कोई लक्ष्य नहीं है, खाली आई भी देखते हैं कंटेंट, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो जो कहता हूं उसको सुना करिए। चलो नेक्स्ट है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर? तो ये संभवतः मनाया जाता है कब, 21 नवंबर को, राइट? यही है क्या, 21 नवंबर को? नहीं, कब मनाया जाता है? हाँ, 21 नवंबर को। ठीक है, ये मनाया जाता है बेसिकली 21 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो शुरुआत की बात करते हैं इसकी। तो शुरुआत 1996 में बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, और उद्देश्य क्या है, टेलीविजन के माध्यम से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के महत्व को पहचानना। टेलीविजन एक बड़ा माध्यम जो है होता है आपको, क्योंकि साहित्य का ही एक रूप है अपने आप में, जो फिल्में होती हैं साहित्य होती हैं, साहित्य का रूप होती हैं, जिसको टेलीविजन के माध्यम से जो है आपको दिखाया जाता है। और तो बेसिकली उद्देश्य क्या है कि जो समाज पर इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, और उस इम्पैक्ट को समझने के लिए, जानने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस को जानने समझने के लिए दरअसल जो है टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB द्वारा, ADB आप जानते होंगे, है ना, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, तो हाल ही में ADB द्वारा किस देश में आर्थिक सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण देने की घोषणा की गई, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर आर्थिक सुधार और आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सके, उसके लिए एडीबी ने जो है $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है, कौन सा देश है? तो श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को देगा नहीं भैया, देखो सौ की सीधी बात है, हमारी बन नहीं रही इस समय पाकिस्तान से, दे सकते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है, कूटनीतिक हमारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान में इसमें किसका शासन है आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, भारत पैसा यहां भी नहीं लगाएगा जहां तक संभव है, हालांकि अफगानिस्तान को लेकर के भारत हमेशा सेंसिटिव रहता है और उसके संबंध हमेशा से बढ़िया रहे अफगानिस्तान के साथ, लेकिन
दिक्कत क्या है? आपको पता है कि हम लोग का जो ये देश है, ये पहले अफगानिस्तान वगैरह तक पूरा फैला हुआ था, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, जो कि इस समय क्या है, खंड खंड हो गया है। और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उसके हिसाब से लगता है कि फिर से खंड होगा। लेकिन अगर आप अच्छे अधिकारी बनेंगे, अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे, तो भारत को हमेशा मजबूती के साथ क्या रखेंगे, जोड़ के रखेंगे अपने आप में, ठीक है। तो कहते ना, भारत खंडे जम्बू द्वीपे बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, वही है। तो हाल ही में एडीपी द्वारा बेसिकली जो आपका श्रीलंका है, यानी क्या, ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में बेसिकली क्या हुआ है, वहीं पर है बेसिकली एडीपी जो है क्या करेगा, ऋण जो है देगा वहां पर $200 मिलियन, ठीक है। पहला पॉइंट वही दे रखा है। और इसमें एशियाई विकास बैंक की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, तो 19 दिसंबर 1966 में बेसिकली जो एडीपी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और मुख्यालय की बात करते हैं, तो मुख्यालय मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये भी आप लोग जानते होंगे, एडीबी के बारे में अक्सर आपके इकोनॉमिक्स में प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 43वां, भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया, ठीक है। क्या 43वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। और इंपॉर्टेंट भी फैक्ट है आपके लिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, नई दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका सुंदर सा प्यारा सी राजधानी दिल्ली, जहां पर क्या इस समय प्रदूषण बहुत तेजी के साथ हो रहा है और कृत्रिम वर्षा की बात कही जा रही है, आप सभी लोग जानते होंगे। और कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, आप शायद ये भी जानते होंगे, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जरा बताओ, कृत्रिम वर्षा के लिए बेसिकली कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, कृत्रिम वर्षा वाला, ठीक है, तो बताइएगा मुझे। तो ये बेसिकली 43वां जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कब से कब तक किया जा रहा है, तो 14 से लेकर के 27 नवंबर 2024 के मध्य में। शुरुआत इसकी 1980 में हुई थी। थीम क्या है, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और इस वर्ष इसमें 11 देश भाग ले रहे हैं, इनमें से चीन है बेसिकली, चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात बेसिकली शामिल हैं विशेष तौर पर इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, अब आज आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको जरूर देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है प्रश्न का उत्तर देंगे। और मैंने कल परसों में समझाया था कि आप लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिए और तैयारी में जुटिए, एक बार से परेशान मत होइए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, संघर्ष था लंबे समय का, अब खत्म हो चुका है। खत्म क्या हो चुका है, मतलब है तो अभी, लेकिन आप चाहें तो उसको खत्म कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के द्वारा, ठीक है। इससे पढ़ाई पर दोबारा से पुनः से आप लोग लगिए, एग्जाम डेट आपकी जल्दी आएगी, आरो की परेशान मत होइए, ठीक है। तो प्रश्न क्या है आपके सामने कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही यानी कि इंक निकलने लगती है, क्या कारण है इसका, कि वायु दाब में कमी के कारण, मतलब कि जो आपका एयर प्रेशर होता है क्या कम होता है, या जो वायुमंडलीय दाब होता है वायु दाब में अधिकता के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा प्रश्न है, पीवाईक्यूज का प्रश्न है। और मैं अक्सर कहता हूं कि पीवाईक्यूज को आपको लगाना है, जरा देखता हूं कि आप लोग पीवाईक्यूज लगाते हो कि बस एम ही बोलते हो, ठीक है। तो इसका उत्तर मुझे चाहिए, पीवाईक्यूज का प्रश्न है, आरओ का ही है, पीसीएस का नहीं, आरओ का है। पीसीएस में पूछा गया लेकिन आरओ में पूछा गया है, ठीक है, बताइएगा मुझे इसका उत्तर। इसके अलावा एक सूचना आपको मैं दे देता हूं, और वो ये कि आप एक लंबे समय से इस समय तैयारी कर रहे होंगे, और अब चूंकि क्या कहते हैं ये आपके सामने है, यानी कि आप जो ये प्रोग्राम चला रहा है डिकोड, ठीक है, पीसीएस का, तो हमने बैच ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन करके उसको आराम से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहां पर और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका फोकस बेसिकली पीसीएस पर है, ठीक है, और या दोनों पर है, तो आप पीसीएस का बैच फिलहाल ले सकते हैं। और पीसीएस के बैच के माध्यम से आप जो है जहां एक और पीसीएस का सिलेबस आप कवरअप कर पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर आरओ का सिलेबस भी आपका वाइंड अप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें हम लोग हिंदी में एक अलग से आपको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। और अगर आपको ओनली प्रैक्टिस फिलहाल करनी है, आपने कोचिंग ले ली है, आपने तैयारी कर ली है, तो उसके लिए वीडियो टेस्ट सीरीज जो डिकोड एग्जाम का आरओ और एआरओ के लिए और पीसीएस के लिए चल रहा है, जिसमें हम लोग 9000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे एक पाठ्यक्रम का सिलेबस का जो है रिविजन करवाएंगे, तो ये प्रोग्राम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेसिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 15 आरओ का टेस्ट मिलेगा और 10 पीसीएस का टेस्ट मिलेगा, 5 सीसेट का मिलेगा टेस्ट। तो चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीसीएस की कर रहे होंगे, चाहे दोनों की कर रहे होंगे, ये प्रोग्राम आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत नॉर्मल फीस इसकी है, बहुत कम पैसे में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ट्रेंड है वर्तमान परीक्षा का, उसके आधार पर जो है प्रश्न दिए जाएंगे, और टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट आपको दिया जाएगा रिवीजन के लिए, जिसमें आपको 3 टाइम्स आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा,
और 5000 क्वेश्चंस विथ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस इन पीडीएफ बायलिंगुअल क्वेश्चंस जो आपको इसमें बेसिकली मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए, आपको अपनी जांच करने के लिए, अपना टेस्ट करने के लिए, एक तरीके से कि आप कितने पानी में हो, उसके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एप्लीकेशंस के माध्यम से रन होगा, आप चाहें तो इससे जुड़ करके अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या है, अगर इससे जुड़ना है आपको तो इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए आप वीडियो टेस्ट लिखिए व्हाट्सएप पर, उसको भेजिए 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इस प्रोग्राम से जुड़कर कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, लेकिन उसके पहले जो प्रश्न मैं आपको मुख्य परीक्षा के लिए देता हूं वो भी आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रश्न क्या है कि गांधी और अंबेडकर का लक्ष्य एक होने के साथ उनके सिद्धांतों में अंतर था, इस कथन पर टिप्पणी करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। तो इसको आप लोग लिखिएगा और आज ही आप लोग गांधी और अंबेडकर के बारे में डिटेल्स में अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि प्री में भी गांधी और अंबेडकर से खूब जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। गांधी और अंबेडकर दोनों व्यक्तित्व तो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पसंद भी करते हैं, कई लोग नया पसंद करते हैं, कुछ भी हो, जैसा भी हो, हमारे ये क्या है, हमारे नेता हैं, हमारे सुधारक रहे हैं, हमारे ये बड़े रहे हैं, हमें इनका जो है क्या कहते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए और इनके ऊपर जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में कम से कम उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।